अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? हाज़िर हो चुके एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ असील की नस्लों के बारे में कि असील की कितनी नस्लें होती हैं। तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई एक चीज़ भी आपको इसमें इंफॉर्मेशनल लगी तो वीडियो को जो है लाइक लाजमी कर देना। और अगर कोई मुझसे अगर गलती हो जाए किसी चीज़ बताने में या मेरी नॉलेज में इतनी बात ना हो तो लाजमी मुझे गाइड करना, इससे जो है आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और मेरी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। तो बग़ैर किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, असील की नस्लें कितनी होती हैं? असील की कोई नस्ल नहीं होती, असील ख़ुद एक नस्ल है, जैसे देसी, मिस्री, गोल्डन और इसके बाद असील, चार जो है हमारे पाकिस्तान में पाई जा रही है अभी, एक असील, देसी, मिस्री और गोल्डन। अब हम बात करने लगे जी असील के बारे में। असील सबसे पहली बात एक ख़ुद नस्ल है और इसमें जो है आगे आकर दो इकसाम बन जाती हैं, एक बंद गदी वाला असील और एक खुले कील कंडे वाला असील। अब आपको मैं बताता हूँ कि बंद गदी वाला असील कौन सा होता है। जो असील थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, यानी जिनका कद जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है, उनको हम कहते हैं जी बंद गदी वाला असील। और जो साइज़ में दरमियाने होते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी असील होते हैं, बंद गदी वाले भी हमारे पाकिस्तानी असील होते हैं, लेकिन खुले कील कंडे वाले भी हमारे, जिस तरह जिसमें लाखा आ गया, मुश्का आ गया, हीरा आ गया, पीला आ गया, ये सब आ जाते हैं जी खुले कील कंडे वाले असील। मैं आपको पिक्स देकर मिसाल समझाऊंगा कि खुले कील कंडे वाले कौन से होते हैं और बंद गदी वाले कौन से होते हैं, तो वीडियो लास्ट तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी बंद गदी वाले असील पर। सबसे पहले आपको ये क्लियर करता चलूँ कि बंद गदी होती क्या है। जब इनकी हम फाइट करवाते हैं तो इनके पाँव पे जब हम कपड़ा बांधे तो इसको कहते हैं हम बंद गदी। जब हम इनके पाँव पे कपड़ा नहीं मानते यानी ये अपनी कीलों से फाइट करते तो इनको कहते हैं हम जी खुले कील कंडे वाले। तो अभी जो हम बात करने लगे ये बंद गदी में, अब जो वो मुर्गा ऊपर आप देख रहे हैं ये है जी बंद गदी में। मेन वजह इसकी ये है कि ये लॉन्ग हाइटेड मुर्गा है, इससे इसकी फाइट पर यह असर पड़ता है कि ये जो है अपने परों के ज़रिए उड़ कर दूसरे मुर्गे को कील नहीं मार सकता। इसको छलांग मार के दूसरे मुर्गे को मुंह पे अपने पाँवों से अटैक करना पड़ता है ताकि वो अगला मुर्गा ढेर हो सके। इसलिए इनकी फाइट में जो है इनकी कीलों को बांध दिया जाता है, इसीलिए इनको बंद गदी का कहा जाता है। कील इसलिए बांधते हैं कि अक्सर औकात जब ये छलांग मार के दूसरे मुर्गे को मारते हैं तो जब ये दोबारा अपने पाँव पर खड़े होते हैं तो कभी कभार इनकी कील इनके अपने ही पाँव में लग कर ख़ुद को ज़ख्मी कर देते हैं। इसीलिए इनके कीलों से दूसरे मुर्गे को कोई नुकसान नहीं होता बल्कि इनका अपना खुद का नुकसान होता है, इसीलिए इनके पाँवों को बांध दिया जाता है किसी कपड़े के ज़रिए से इनके कीलों को। इसीलिए इन मुर्गों को कहा जाता है जी बंद गदी का मुर्गा। इसी तरह एक और मुर्गा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी जो है बंद गदी में आता है। जितने भी लॉन्ग हाइटेड मुर्गे होते हैं उनको हम बंद गदी का मुर्गा कहते हैं, और इनकी फाइट तकरीबन आधा आधा घंटा चलती है, क्योंकि कील के ज़रिए इनको अगले मुर्गे को ढेर करना नहीं होता, इनको अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, अपनी पावर दिखानी पड़ती है, जिस वजह से इनको अपने पंजों से, अपने पाँवों से दूसरे मुर्गे को ढेर करना होता है। अक्सर औकात इनमें जो है अगले मुर्गों की गर्दन टूट जाती है क्योंकि ये अपने पाँव से मार रहे होते हैं, ये अपनी कील नहीं मारते, और इसमें जो है मुर्गे को अपनी पावर और जो है अपना जो है अंदर इसकी ताकत है वो दिखानी पड़ती है। जबकि खुले कील कंडे में ये होता है कि अगर तुक्का लग गया दूसरे मुर्गे को, कील लग गए तो वो ढेर हो जाता है, उसमें तुक्के वाली गेम होती है। इसी वजह से इनकी फाइट जो है वो लॉन्ग टाइम चलती है, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, पहले 6 मिनट डाल के चेक किया जाता है, फिर 12 मिनट, इस तरह करते करते तकरीबन आधे से घंटा भी गुजर जाता है, फिर भी कभी कभार बंद गदी के मुर्गों के फैसले नहीं होते। इसीलिए इन मुर्गों को बंद गदी का कहा जाता है कि इनमें कील का कोई किरदार नहीं होता, जबकि खुले कील कंडों में होता है कील का किरदार। अब चलते हैं जो खुले कील कंडे मुर्गे की तरफ। अब जो मुर्गा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहली बात इसकी हाइट जो है छोटी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तानी असील होते हैं बिल्कुल उनके बराबर की हाइट है। अब इनमें क्या किरदार होता है इनके खुले कील कंडे का? इनमें मुर्गे के पाँव पर किसी किस्म का कपड़ा नहीं बांधा जाता बल्कि इनको बाहर से जो कील मिलते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि ये फाइट कर सकें और इनकी कील जो है नोकदार हों। इसमें जो है मुर्गे को अपनी पावर नहीं दिखानी पड़ती, इसमें जो है मुर्गे को उड़कर अगले मुर्गे को कील मारने पड़ते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं जी मेन टॉपिक पे कि मुर्गा लेना कौन सा, बंद गदी वाला या खुली गदी वाला। तो दोस्तों अगर जो आपने लेना है जी मुर्गा फाइट के लिए, तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप जो है खुले कील कंडे वाला मुर्गा लें, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं की फ़ाइट की जाती है, जबकि बंद गदी वाले मुर्गों की फ़ाइट इतनी नहीं होती। इनको सिर्फ शौकिया तौर पे रखा जाता है घर में खूबसूरती के तहत,
एक तो ये लॉन्ग हाइटेड होते हैं, ऊपर से इनकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी असील जो बने ही फाइट के लिए हैं। तो अगर आप मेरा मशवरा लेना चाहते हैं तो मेरे मुताबिक बंद गदी वाले मुर्गे शौकिया घर में शो के तहत रखे जाते हैं, और जो खुले गील कंडे वाले मुर्गे होते हैं उनको हम फाइट में इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मेरा काम था कि मैंने जितनी नॉलेज आज तक अपने शौक से गेन किया है मैं आप तक पहुँचाऊँ। तो अगर मुझसे किसी भी किस्म की गलती होगी हो या किसी जो है मेरी इंफॉर्मेशन में कोई गलती हो तो मुझे काइंडली जो है करेक्ट करें, ताकि इससे मेरा भी नॉलेज इंक्रीज़ हो और आपके नॉलेज में भी इजाफा हो। तो दोस्तों इंशाल्लाह अगली वीडियो मेरे होने वाली है होम ब्रीड पे, कि हम होम ब्रीड किस तरह बना सकते हैं। तो अगर आपको उस वीडियो की लिंक चाहिए या उस वीडियो को मैं अपलोड करूँ अगर आप चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट में लाजमी बताएं कि मुझे वीडियो होम ब्रीड वाली शेयर करनी चाहिए कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।